ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूँ आपके साथ शिवानी मोरवाल। आज हम मौजूद है वजीरपुर की सब्जी मार्केट में, जहाँ हम यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि सब्जियों के महंगे रेट से उनकी जेब पर, उनकी रसोई पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये चलते हैं। देखिए, सब्जियां जिस तरह से आसमान रेट छू गई है, तो आप पे क्या क्या परेशानी आ रही है आपके किचन पर? हमारी किचन में बहुत सारी परेशानी आ रही है। हमारा पूरा बजट एक तो हिल गया घर का, एक तो काम ही नहीं है। लॉकडाउन की वजह से काम ही बिल्कुल ठप पड़े हुए, ना के बराबर तो काम है। और उसके बाद सब्जियां, हर जगह महंगाई और बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। एक सब्जी जैसी चीज़ खाने के लिए इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, तो बताइए और तो सब काम कितने, हम मुश्किल से घर चला रहे हैं। सरकार को कुछ करना चाहिए, बहुत परेशान हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा फर्क है, माल बिल्कुल नहीं बिक रहा, दुकानदारी है नहीं, सड़ा दागे माल बहुत निकल रहा है, कमाई हो नहीं रही है। जहाँ चार कट्टे बेचते तो वहाँ इस टाइम एक बोरी नहीं बिक रहा, ना आलू ना प्याज, बहुत परेशानी है। मैं आपको किस तरह, मतलब कि सब्जी का इतने रेट बढ़ चुके, तो आपको किस तरह की परेशानी होती है, आपकी रसोई पर क्या फ़र्क पड़ा है? रसोई में तो फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत तो परेशानी हो रही है। इतनी महंगी सब्जी कहाँ से खाएँगे गरीब आदमी हम, तो किराया देंगे क्या सब्जी इतनी महंगी खाएँगे? टमाटर 80 रुपये किलो टमाटर दे रहे हैं सब। मैं आपको क्या लगता है, सरकार को इस पे कदम उठाने चाहिए? सरकार ने कदम उठाने चाहिए इस पे। ये महंगाई के जमाने में कोरोना के उसे लोग परेशान हैं, इसलिए अभी रेट बढ़ना ठीक नहीं है। थोड़ा सा सरकार को इसके विषय में सोचना चाहिए कि थोड़ा रेट कम हो, पब्लिक परेशान ना हो। अभी पब्लिक के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, और किसी को तनख्वाह मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, इसलिए गवर्नमेंट को इसके विषय में सोचना चाहिए कि रेट कम हो सब्जी। रेट तो बढ़े हुए, कुछ करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए, कंट्रोल तो करें, कहीं तो कुछ कंट्रोल करें, कंट्रोल तो कोई है ही नहीं, रेट बढ़ते जा रहे। काफी मतलब कि आपकी रसोई पे किसी पे बजट पे फर्क पड़ा है, मतलब कि महंगा हुआ है इतना? हाँ, तो बजट पे तो नेचुरली पड़ेगा ही ना, कि हर ग्रोसरी और ये सब चीजें ही महंगी है आजकल, तो फर्क तो पड़ना ही है, कंट्रोल करना चाहिए। सर, जिस तरह से सब्जियां अब बिल्कुल महंगी हो चुकी है, तो आपके काम पे क्या मंदी चल रही है? काम है ही नहीं बिल्कुल भी, इतनी टाइम काम में सब्जी मंडी से महंगी होने की वजह से यहाँ दुकानदारी नहीं हो रही है, तो लोग कम ही मात्रा में खरीद रहे हैं। बहुत कम, ना के बराबर इतनी टाइम ग्राहक है, तो बिल्कुल पूरी तरह से मंदी छा गई है। बहुत मंदी है, इतनी टाइम पूंजी भी नहीं निकल रही है सब्जियों की। सर, सब्जी महंगी होने से आपके काम पे क्या प्रभाव पड़ा है? दुकानदारी थोड़ी कम हो गई है, बाकी तो चल ही रहा है, थोड़ा बहुत दुकानदारी थोड़ी कम है। ग्राहक सोचता है कि हम ही महंगी बेच रहे हैं, आजादपुर में भी सब्जी महंगी हो गई है। सर, महंगाई के चलते आपके काम पे किस तरह से पूरी मंदी छाई हुई है? बहुत मंदा छाया हुआ है, काम की वजह से महंगाई इतनी कर रखी है। एक एक किलो 1400 रुपये की, 1300 रुपये किलो दे रहे हैं, चार चार किलो दागे निकल रहा है टमाटर, कमाई साहब महंगाई दे दे रहे हैं, हर दिन लोग मानते नहीं है, कमीशन उनको अलग चाहिए। ये सड़ा हुआ माल देखिए, एक एक किलो के अंदर निकल रहा है, इतना महंगाई छाई रखी है। कितना नुकसान का सामना करना पड़ जाता है? साहब को 2000-3000 रुपये नुकसान मिलते, मिलने होता 500-700 रुपये, और जब घाटा होता तो 5000-4000-3000 ऐसे हो जाता घाटा, लंबा लंबा घाटा भी हो जाता है इसमें, मिलने तो कम मिलता है, घाटा एकदम होता है। सर, जिस तरह से सब्जियां अब बिल्कुल महंगी हो चुकी है, तो आपके काम पे क्या मंदी चल रही है? काम है ही नहीं बिल्कुल भी, इतनी टाइम काम में सब्जी मंडी से महंगी होने की वजह से यहाँ दुकानदारी नहीं हो रही है, तो लोग कम ही मात्रा में खरीद रहे हैं। बहुत कम, ना के बराबर इतनी टाइम ग्राहक है, तो बिल्कुल पूरी तरह से मंदी छा गई है। बहुत मंदी है, इतनी टाइम पूंजी भी नहीं निकल रही है सब्जियों की। जिस तरह से आपने देखा कि हम वजीरपुर सब्जी जो मार्केट है उसमें आए, लोगों से हमने पूछा, उन्होंने बताया कि सरकार को इस पे जल्दी कदम उठाने लेने चाहिए, और जो सब्जी के जो रेट है, जो महंगाई बढ़ रही है, उस पे जल्दी एक काम करना चाहिए। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मैं शिवानी मोवाल, दिल्ली दर्पण टीवी।